हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में हमने पिछले दो लेक्चर्स में बात करी थी कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड देन कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, सो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, और ग्राफिकल क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमें ग्राफिकल अप्रोच डेवलप करनी है धीरे धीरे। अब ठीक है, सो लेट्स सी दिस फर्स्ट प्रॉब्लम। इट्स इफ fx given as it is e की पावर x माइनस वन का क्यूब इंटू कोसेकेंट ax अपॉन ln ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर और दिस इज b, दिस इज फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो। नाउ द क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ये प्रोडक्ट ए बी आपको निकालना है, ए और बी, ये जो दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, एक तो ये बी जो कि एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शनल वैल्यू है और एक ये यहां पे है कोसेकेंट के अंदर एज ए एक्स। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस होने की कंडीशन आपको पता है कि फंक्शनल वैल्यू बी मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो जीरो पे फंक्शनल वैल्यू बी है, लिमिट हमें यहां से मिलेगा क्योंकि जीरो के नेबरहुड में नॉट इक्वल टू जीरो के तो लेफ्ट राइट पे हमारे फंक्शन ये डेफिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, और इसको देखो ध्यान से, एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर मैं देखता हूं तो ये इक्वल जीरो, वन माइनस वन जीरो, लॉग ये जीरो हो जाएगा, लॉग वन जीरो, ये कोसेकेंट जीरो, हालांकि इन्फिनिटी है तो नीचे ले आऊंगा तो साइन बन जाएगा, सो जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आप देख सकते हो कि हमें अगर चाहिए कॉन्टिन्यूस बनाना है एट एक्स इक्वल टू जीरो तो वॉट वी हैव इज कि आपकी जो लिमिट है एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, इट मस्ट बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ जीरो। ठीक है, लिमिट निकालने के लिए हम यहां से निकाल लेंगे, सो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ये आ गया ई की पावर एक्स माइनस वन इसका क्यूब, मेरे पास है एल एन ऑफ वन प्लस एक्स को, डायरेक्टली फॉर्मूले बने हुए हैं आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये आपका है, इसको मैं नीचे लेके आ गया साइन ऑफ ए एक्स बना लिया, क्लियर। और फंक्शन वैल्यू अपनी कितनी है, ये तो एफ ऑफ जीरो बी दे रखा है। ई की पर एक्स एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, लॉगरिथमिक वाला फॉर्मूला और एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्मूला, तो एक ही स्टेप पे अब हमारा काम हो जाएगा। देखो मैं करता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन इसका क्यूब है, इसके नीचे एक्स रखते हैं और एक्स इसका होल क्यूब बना देते हैं। ठीक है, याद रखना ये एक्स क्यूब नहीं था तो एक्स क्यूब मैंने एक एक्स्ट्रा यहां पे वो करा है। सिमिलरली ये है एल एन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, इसके नीचे रख दो एक्स स्क्वेयर, और सिमिलरली यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स है तो यहाँ पे रख दो ए एक्स। देखो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, ये तो बैलेंस हो गए, ये ए आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ए अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपका एक ए यहाँ पे आएगा। बस अब आपको सबकी वैल्यू बताया, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, लॉग वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन, साइन जीरो बाय जीरो वन, सब कुछ वन हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन ए, और फंक्शन वैल्यू कितनी थी, किसके इक्वल था बी के इक्वल। सो व्हाट आई एम गेटिंग हेयर इज ए बी इक्वल्स टू वन। ठीक है, आई होप कि आपने फॉलो किया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, किसी पॉइंट जीरो पे हमें कॉन्टिन्यूस बोला गया तो हमने लिमिट को फंक्शन वैल्यू को इक्वल कर दिया जो कि इसकी बेसिक डेफिनेशन हमें कहती है। ठीक है, लिमिट निकाल ली वन अपॉन ए, इधर से ये जो वैल्यू आई फंक्शन वैल्यू बी दे रखी है तो ए इंटू बी आपका वन होना चाहिए, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस दिस इज जी आई एफ। ओके ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड सिमिलरली दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
ठीक है. सो 3 माइनस जी आई एफ कॉट इनवर्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन x. दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x लेस देन 0. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर इनटू cos e की पावर 1 बाय x. क्वेश्चन ये, कैन एफ एक्स बी मेड कॉन्टिन्यूस. देखो x 0 के राइट में डिफाइंड है, 0 के लेफ्ट में डिफाइंड है. मतलब कि अगर यहां से कुछ लिमिट मिलेगी, राइट हैंड लिमिट, यहां से कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, और फंक्शन वैल्यू हमें दे नहीं रखी है. हम क्या करेंगे, अगर तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दोनों इक्वल आ जाती है, मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शनल वैल्यू को खुद से डिफाइन करेंगे. ठीक है, खुद से वही लिमिट मैं एफ ऑफ जीरो पे रख दूंगा, एक बार फंक्शन को रीडिफाइन करूंगा और दे दूंगा यहां पे कि एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्या एक्स इक्वल टू जीरो पे वो लिमिट रख दूंगा. बकायदा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहां से भी आपकी वैल्यू एल आती है, यहां से भी एल आती है, फंक्शनल वैल्यू भी मैंने एल दे दी, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, सो ये बेसिकली डिसकॉन्टिन्यूस होती, यहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है ऑलरेडी अ फंक्शन. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती भी है तो क्योंकि जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूस है. इस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटीज को हम बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटीज. हम थोड़ी देर में अभी पढ़ने वाले हैं. फिलहाल के लिए आपको आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हम यहां से लिमिट निकालेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो सेम वैल्यू में फंक्शन को एक्स इक्वल टू जीरो पे दे के उसको कॉन्टिन्यूस बना दूंगा. क्वेश्चन ये है कि कैन इट बी मेड कॉन्टिन्यूस. कैन का जो आंसर है वो ये है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो बन पाएगा, अदरवाइज ये नहीं बन पाएगा. चलो हमारा अब काम क्या है, हमारा काम है लिमिट निकालना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से, राइट हैंड लिमिट यहां से. चलो एक एक करके शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम कर रहे हैं जीरो पे, सो डायरेक्टली कर रहा हूं एच अप्रोचिंग टू जीरो, और जीरो माइनस एच कर लेंगे, यानी कि माइनस एच, तो ये बन जाएगा कॉस इन कॉट इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स माइनस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ e की पावर 1 अपॉन माइनस एच. ठीक है, देखो ध्यान से, एच स्क्वायर क्या है, एच बहुत छोटी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है. तो ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल है, एच फ्रैक्शनल है, तो एच का स्क्वायर भी फ्रैक्शन है, तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट में हटा दूंगा डायरेक्टली. तो ये आपका बन गया लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, ये आपका आ गया एच स्क्वायर, और ये है कॉस के अंदर कॉस ऑफ ई की पावर माइनस वन अपॉन एच. ठीक है, देखो एच जीरो को, यानी ये तो जीरो को अप्रोच करा, ये देखो क्या है ई की पावर एच जीरो, तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है वन, सो बेसिकली ये वन इंटू क्या है जीरो, तो वन इंटू जीरो क्या हो गया आपका जीरो. तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई हमारी जीरो. चलो आगे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. राइट हैंड लिमिट, लिमिट अगेन एच जीरो, यानी कि मैं जीरो प्लस एच करने वाला हूं, ये थ्री माइनस कॉट इनवर्स है, इसके बाहर लगा हुआ आपका जी आई एफ, और इसको देखो ध्यान से, ये आपका बन रहा है कितना टू, सेपरेट कर रहा हूं मैं इसको, ये एच स्क्वायर अपॉन एच, सॉरी एच क्यूब अपॉन एच, एच स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एच. ठीक है, देखो एच जीरो जाएगा तो ये बन गया जीरो, ये थ्री अपॉन जीरो कितना इन्फिनिटी, सो ये वाली वैल्यू देखो एक्चुअली क्या है, दिस इज जीरो, ये माइनस और थ्री अपॉन जीरो इन्फिनिटी, सो बेसिकली इट इज माइनस इन्फिनिटी. सो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, आई होप कि तुम्हें याद हो, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज पाई. सो ये है आपका पाई, पाई यानी कि 3.14, 3.14 की जेंट वैल्यू. अब ये पूरी अंदर वाली वैल्यू आपकी कितनी है पाई, पाई आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 3.14, 3 से थोड़ा सा राइट में, तो उसकी जेंट वैल्यू कितनी 3, सो 3 माइनस 3 वापस आपको कितना मिल रहा है 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, 0 के इक्वल है. तो अब मैं इस फंक्शनल वैल्यू को, यानी कि एफ ऑफ 0 को 0 रख दूंगा, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा एक्स इक्वल टू
जीरो पे जो कि जीरो से पास कर रहा है, फंक्शनल वैल्यू भी जीरो देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। चलो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपने फॉलो किया है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें बहुत सारे, कॉन्टिन्यूटी को अच्छे से समझना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, अगेन पीस वाइज डिफाइंड है, एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें वैल्यू दे रखी है के, अननोन वैल्यू वैल्यू, और नॉट इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड है। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन के इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये जीरो पे जो फंक्शनल वैल्यू के है मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट। सो लिमिट कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, तो यहां से लिमिट निकालनी है और वो के इक्वल करनी है, वही के की वैल्यू होगी। ऑप्शंस आपके सामने 1/2, 1/3/2 and 2, कुछ नहीं करना, यहां से आपको लिमिट निकालनी है जीरो पे। जीरो देख सकते हो आप, 0/0 फॉर्म बन रही है, e की पावर 0+1, 1+1, 2, ये हो गया 2, 2, ये भी 2, 2-2, 0 और नीचे 0, 0/0 फॉर्म है, बस आपको लिमिट निकालनी है। इतना काम आप खुद से कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, मैं एक आधा क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, प्लीज उसको अटेम्प्ट कर लिया करो। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, और जो क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करा है और उसका सही आंसर दिया है, सो थोड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। सो प्लीज डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो कमेंट बॉक्स में भी आंसर करो, जो लोग आप जुड़े हुए व्हाट्सएप पे, वो व्हाट्सएप पे भी आंसर करो, क्लियर। सो और भी क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा आज थर्ड लेक्चर के बाद, एक डीपीपी दैट इज कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, और नेक्स्ट और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। ओके, लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू जिन, अगेन ये जी आई एफ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी इन 0 to 2π, ठीक है। सो अगेन हम एक बार फिर इसको ग्राफिकली करेंगे। ग्राफ क्या है इस फंक्शन का, जो है जी आई एफ जिंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको बताया कि ये जी आई एफ तो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं ड्रॉ करूंगा इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज सम फंक्शन जी एक्स विच इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसे ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है वैसे तो। वैसे आपको पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप की जब आपके सामने इक्वेशन आती है तो आप क्या करते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिफाइन करते हो, ठीक है। सो अलजेब्रिकली पहले मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं आपको, आपको क्या करना है, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। देन आई हैव दिस साइन एक्स 1/√2 प्लस कॉस एक्स 1/√2, ठीक है। अब आपको इसको कुछ भी मर्जी रहो, इसको अगर आप कॉस पाई बाय 4 कंसीडर कर लो, ठीक है, क्या दिस इज इफ कॉस पाई बाय 4, और ये अगर आपका साइन पाई बाय 4 है तो ये आपका बन गया साइन थी साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4 यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी। सो ये आपका बन गया √2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। सो बेसिक फंक्शन आपका बन गया साइन का, जिसमें एक तो एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय 4 है और ये √2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। आप इसको कॉस भी बना सकते थे, मतलब इसको आप कॉस पाई बाय 4 लिख लेते, इसको कॉस साइन पाई बाय 4 लिख लेते, तो कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाय 4 कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 बन जाता बाहर √2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव आपको पता है साइन और कॉस वाली सिमिलर ही होती हैं, सो दोनों से सिमिलर ही ग्राफ बन के आना। अगर आपके उसके बाद आप ज्यादा टेंशन मत लो, आपको बेसिक कर्व पता है कि कुछ ऐसी वेव बनने वाली है, पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट करके देख लो, सब आसान हो जाएगा। हमें 0 से 2π में इसको प्लॉट करना है, ठीक है। चलो सो हम 0 से 2π में देखते हैं इसको। दिस इज जीरो, ये आपका पाई, ये आपका 2π, ठीक है। देन आई हैव दिस, आपको जो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी वो ये पाई बाय 4 के मल्टीपल्स में जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। ये पाई बाय 2, पाई बाय 4, दिस इज 3π/4, दिस इज 5π/4, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 7π/4, ठीक है। आप अपने आप देख लोगे कि कौन कैसे जरूरत पड़े। देखो ध्यान से, सबसे पहले
मैक्सिमम वैल्यू कितने आने वाली है, रूट टू पाई बाय टू, वन अगर यहाँ पे कहीं है तो रूट टू यहाँ पे कहीं, ठीक है, लेट्स से दिस इज रूट टू, दिस इज वन, फिर ये आपका माइनस वन और ये माइनस का रूट टू, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट टू आने वाली है, ठीक है। चलो जीरो पे क्या देगा ये, दिस इज जीरो साइन पाई बाय फोर, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू इंटू रूट टू वन, तो जीरो पे आपको क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद पाई बाय फोर पे देखो, ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पाई बाय फोर प्लस पाई फोर पाई बाय टू, साइन 91 हो गया और रूट टू, रूट टू, ये यहां से पाई बाय फोर पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा रूट टू, ठीक है। आप देखो पाई बाय टू पे वापस जाके अब साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा, कॉस पाई बाय फोर अगेन वन बाय रूट टू इंटू रूट टू, सो वन हो जाएगा, सो ये वापस आपका आ जाएगा वन पे, थ्री पाई बाय फोर पे, थ्री पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर पाई साइन पाई जीरो, यहां पे आपका ये आके जीरो हो जाएगा, ठीक है, थ्री पाई बाय फोर पे। चलो सो थोड़ा सा उसमें ध्यान दे लो, चलिए पाई पे अगेन ये माइनस वन, फाइव पाई बाय फोर पे ये मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी यानी कि माइनस रूट टू, फिर थ्री पाई बाय टू पे वापस ये माइनस वन, ओके ठीक है। चलो मुझे थोड़ा सा ग्राफ याद था, अदरवाइज अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट करोगे तो यू विल सी कि क्या आ रहा है। वेव तो आपको पता ही है कि साइन वेव है या कॉस वेव है, मैक्सिमम वैल्यू रूट टू, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट टू, और फिर पॉइंट्स का ध्यान रखना है कौन से, आप इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना पाई बाय फोर के मल्टीपल्स में, पाई बाय फोर, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय फोर, पाई, फाइव पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय टू, पाई, सेवन पाई बाय फोर एंड टू पाई, ठीक हो। पाई बाय फोर पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी, रूट टू, फिर ये वन कब कब है, एक तो जीरो पे और दूसरा पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय फोर पे जीरो, फिर पाई पे माइनस वन, फिर यहाँ पे जीरो, सॉरी माइनस रूट टू, यहाँ पे वापस माइनस वन, ये वन है, ये माइनस वन है, ये जीरो है और ये वापस वन है। चलो एक बार ध्यान से देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। आप, मैं कह रहा हूँ इन पॉइंट्स पे वैल्यू रख रख के चेक करते जाओ, ठीक है। जैसे पाई रखता हूँ, सो साइन पाई प्लस पाई बाय फोर कितना हो गया, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, तो माइनस वन बाय रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया, माइनस का वन, पाई पे क्या हो गया, माइनस वन। फाइव पाई बाय फोर देखो, फाइव पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर कितना हो गया, थ्री पाई बाय टू, साइन थ्री पाई बाय टू कितना होता है, माइनस वन, माइनस वन इंटू रूट टू, माइनस का रूट टू, मिनिमम वैल्यू कितनी, माइनस रूट टू। तो ये वाले पॉइंट चेक करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें ये जी एक्स फंक्शन है यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमें इस पे ऊपर जिंट बॉक्स यानी कि जी आई एफ लगाना है, तब हमारा एफ एक्स बनेगा, कुछ नहीं, वैल्यूज को देखना है और अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज लेते जाना है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं जीरो पे, जीरो पे कितना, वन है, तो एग्जैक्टली वन पे आपको क्या मिलेगा, वन, वन की जेंट वैल्यू वन होती है। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं तो ये वैल्यू बढ़ रही है, बट अभी तक टू नहीं पहुंची, जब तक टू नहीं पहुंचता मैं टू नहीं पहुंचूंगा। सो वैल्यू अगर वन और टू के बीच में है तो बॉक्स वैल्यू कितनी है, वन है, देखो रूट टू होता है 1.414, तो टू तो नहीं है ये, सो टू तक तो वैल्यू जाएगी नहीं, मतलब यहां पे जितने भी वैल्यूज है सबकी जेंट वैल्यू क्या मिलने वाली है, वन मिलने वाली है। कहां तक मिलने वाली है, यहां तक मिलने वाली, जब तक ये वन है, कहां तक, 90 तक। पाई बाय फोर से थोड़ा सा आगे गया, ये वैल्यू अगेन वन से ड्रॉप कर गई, जैसे वैल्यू वन से छोटी हुई बॉक्स वैल्यू यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो पे ड्रॉप कर जाएगी, तो अब ये जीरो पे आ जाएगा, फिर यहां पे, ठीक है, उसके बाद ये यहां पे जीरो था, जैसे नीचे गया जीरो से तो ये नेगेटिव पे यानी कि माइनस वन पे आ गया, यहां तक माइनस वन। इससे आगे मैं थोड़ा सा और जाऊंगा तो माइनस वन से छोटा गया तो माइनस टू पे चला जाऊंगा, कहां पे, माइनस टू पे, माइनस टू यहां पे कहीं होगा तो ये माइनस टू आ गया, कहां तक रहेगा,
ये यहां तक माइनस टू रहेगा, फिर यहां पे माइनस वन था, इसके ऊपर माइनस वन से बड़ा है तो ये देगा आपको कितना, माइनस वन। यहां पे एग्जैक्टली जीरो, फिर ये जीरो से थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट जेंट वैल्यू अभी भी जीरो रहने वाली है। और एग्जैक्टली टू पाई पे यहां पे वैल्यू वन हो गई, तो जेंट वैल्यू बॉक्स वैल्यू भी वन हो गई। ठीक है, सो देखो ऐसा ग्राफ हमने पिछली क्लास में भी ड्रॉ किया था, आई होप कि आप इस बार भी फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले कि हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ड्रॉ करा, आप इसका ग्राफ अच्छे से रट लो, किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ये मैक्सिमम वैल्यू रूट टू, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट टू, रूट टू आता है पाई बाय फोर पे, माइनस रूट टू आता है फाइव पाई बाय फोर पे, और इस तरह का कर्व बनेगा। बाकी आप देख सकते हो कि जीरो कहाँ पे हो रहा है, वन कहाँ पे हो रहा है, माइनस वन कहाँ पे हो रहा है, क्लियर। उसके बाद इस पर बॉक्स लगाना था, वैल्यूज को देखते जाओ और जेंट वैल्यू लेते जाओ। ठीक है, वन की जेंट वैल्यू वन, उसके आगे ये जो वैल्यूज है यहां तक वो जीरो, वन से बड़ी है बट टू से छोटी है, तो सबकी बॉक्स वैल्यू वन आई। जैसे आगे बढ़ा, वन से ड्रॉप कर गया जीरो से, फिर ये यहां तक जीरो, फिर माइनस वन से, फिर माइनस टू, फिर यहां पे भी माइनस वन, यहां पे जीरो, वहां पे ही। अब फाइनली हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना, यानी कि इसके जो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आप देख सकते हो, क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे देखो फंक्शन वैल्यू वन, राइट एंड लिमिट भी वन ही है, तो यहां पे तो जुड़ा हुआ ग्राफ, यहां पे टूटा एक तो कहां पे पाई बाय टू पे टूटा, फिर दोबारा एक बार यहां पे थ्री पाई बाय फोर पे टूटा, फिर एक बार यहां पे पाई पे टूटा, यहां पे फाइव पाई बाय फोर पे तो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, फिर ये थ्री पाई बाय टू पे टूटा, फिर सेवन पाई बाय फोर पे वापस टूटा हुआ है, और आप देख सकते हो कि टू पाई पे भी ब्रेक ही है। टू पाई पे एग्जैक्टली वैल्यू वन है, टू पाई के लेफ्ट में हमें जीरो मिल रही है वैल्यू। ठीक है, सो एक दो तीन चार पांच छ, छ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है इस ग्राफ में या इस फंक्शन में। ठीक है, इसी तरह से आप सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। चलो ग्राफ बनाया हमने और उसके ऊपर पहले बॉक्स फंक्शन लगाया, देन फाइनली आप आंसर देख सकते हो, जहां जहां टूटा हुआ है वी हैव द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, टोटल वी हैव यहाँ सिक्स पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें एक बार पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, जीरो से वन में, देन वन से टू में, वी नीड टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी इन जीरो टू टू क्लोज इंटरवल। यहां पे मेरे पास है जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कॉस ऑफ पाई एक्स, यहां पे है मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, एंड अगेन जी आई एफ एक्स माइनस टू। एल्जेब्रिकली भी हम इसको डील कर सकते हैं, बट हम इसको एक बार फिर ग्राफिकली देखना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ग्राफ की हमारी प्रैक्टिस चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, एल्जेब्रिकली कर सकते हैं बट काम ज्यादा होगा ऑब्वियसली। देखो अगर करना हो तो आपको पता है कि सबसे पहले मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बताया कि ये जो जेंट है जहां जहां इंटीजर हो रहा है, मैं जीरो से वन में देखूं तो ये कॉस पाई एक्स जो है, जो इनपुट है वो जाएगी जीरो से पाई में, जीरो से पाई में जीरो पे कॉस होता है वन, देन पाई बाय टू पे जब एक्स आपका वन बाय टू हो जाएगा तो ये पाई बाय टू हो जाएगा, तब ये जीरो होगा, और फिर वन पे पाई माइनस वन, तो बेसिकली माइनस वन जीरो और वन मिल रहा है, तो वन जीरो और माइनस वन बीच में जीरो आ रहा है, इसको वहां पे तोड़ेंगे जहां पे जीरो हो रहा है, जीरो को हो रहा है पाई बाय टू, पाई बाय टू यानी कि एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू पे, वन बाय टू पे इसको ब्रेक करूंगा यहां पे, और ये मॉड लगा हुआ है, मॉड को ऑब्वियसली ओपन करना ही पड़ेगा मुझे कैसे भी करके। मॉड को ओपन करने के लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स इक्वल टू थ्री बाय टू, थ्री बाय टू वन पॉइंट फाइव, तो इसके बीच में जो वन पॉइंट फाइव है वहां पर मैं इसको ब्रेक करूंगा। बाकी ये जी आई एफ है, वन से टू ओपन में ये आपको देखते हैं क्या देगा, और एग्जैक्टली टू पे जीरो हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो पहले मैं जीरो से पाई में देख लूं, ये जीरो, ये वन बाय टू और ये वन, मैं इसको देख रहा हूं जी आई एफ कॉस पाई एक्स, इसके अंदर पहले कॉस पाई एक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि जीरो पे हमें क्या दे रहा है, वन दे रहा है। ठीक है, फिर वन बाय टू पे जैसे मैंने बोला आपका ये अंदर 90 बन जाएगा, तो ये ड्रॉप करेगा, सो ये आपका ऐसे करके आएगा, ये कॉस पाई एक्स। ठीक है, दिस इज माइनस वन और ये है वन, ये जो है ये है कॉस ऑफ पाई एक्स, कॉस ऑफ
पाई एक्स। बट हमें इस पे क्या लगाना है, जी आई एफ। तो जी आई एफ लगा लेते हैं एक बार। सो जी आई एफ में देखो एग्जैक्टली जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन। तो वन की जेंट वैल्यू वन, उसके बाद ये ड्रॉप कर गया जीरो से, वन से छोटा हुआ तो जेंट वैल्यू ड्रॉप करके कहां पे, जीरो पे। तो यहां से लेके यहां तक क्या आपका दे रहा है, ये जीरो। फिर यहां पे जीरो है, जैसे और आगे जाऊंगा ये ड्रॉप हो जाएगा आपका माइनस वन पे। फिर यहां से लेके यहां तक ये आपको माइनस वन ही देगा, क्लोज्ड। ठीक है, तो ये जो है हमने ड्रॉ कर लिया कॉस पाई एक्स। कॉस पाई एक्स के ऊपर जी आई एफ भी लगा दिया। अगर आप चाहते हो तो हम कॉस पाई एक्स को हटा देते हैं, बिकॉज एक्चुअल फंक्शन तो हमारा क्या है, ये जेंट ऑफ कॉस पाई एक्स है। तो चलो रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ये, इसको अगर आप थोड़ा सा एल्जेब्रिकली करना चाहते हो तो कर लो। एल्जेब्रिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ, वन से आपका थ्री बाय टू, और थ्री बाय टू से आपका टू। ठीक है, एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल टू टू पे आप देखो ध्यान से क्या होगा, एक्स इक्वल टू टू पे ये टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो यहां पे मुझे जीरो मिलने वाला है। चलो ये मैंने क्यों ब्रेक करा, बिकॉज जब एक्स वन से थ्री बाय टू में है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, वन से थ्री बाय टू में, थ्री बाय टू के पीछे हूं तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो ये माइनस में ओपन होगा। माइनस में मतलब ये आएगा माइनस का टू एक्स माइनस थ्री, और ये अंदर वाली वैल्यू देखो वन पे कितना, ये वन पे माइनस वन, वन पे माइनस वन, और थ्री बाय टू पे ये आ जाएगा माइनस का पॉइंट फाइव, थ्री बाय टू माइनस टू माइनस वन बाय टू। सो बेसिकली अंदर वाली वैल्यू क्या है, माइनस वन से लेके माइनस वन बाय टू तक, माइनस वन से माइनस वन बाय टू में जेंट वैल्यू कितनी हो गई, जेंट वैल्यू ऑब्वियसली कितनी है, माइनस वन। ठीक है, फिर से देख लो, वन से थ्री बाय टू में ये मॉड था, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड को माइनस में ओपन करा। ठीक है, उसके बाद वन पे ये वैल्यू माइनस वन, और थ्री बाय टू पे माइनस हाफ, तो वन से थ्री बाय टू में ये जा रहा है माइनस वन से माइनस हाफ, माइनस वन से माइनस हाफ में जेंट वैल्यू कितनी, माइनस वन। ठीक है, सो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो वो बाद में देख लेते हैं। आगे देखो, थ्री बाय टू से टू में ये आपका मॉड ओपन हो गया आपका किसमें, पॉजिटिव में, दैट इज टू एक्स माइनस थ्री में, और थ्री बाय टू से टू में, थ्री बाय टू पे ये कितना आपका अगेन माइनस हाफ, और टू पे जीरो है, सो टू से पीछे है जीरो तक है, तो अगेन एक बार ये वापस माइनस वन ही है। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर। सो बेसिकली ये जो मैं वन से थ्री बाय टू और थ्री बाय टू से टू में मैंने ब्रेक करना है। सो वन से थ्री बाय टू में आपको ये क्या मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस होके टू एक्स माइनस थ्री, वाई इक्वल्स टू 2x माइनस थ्री, स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो, जीरो कहां पे है, 3 बाय टू पे, और अगर मैं देखू 1 पे तो 1 पे क्या देगा, 1 पे माइनस वन दे रहा है। सो 1 पे माइनस वन दे रहा है, तो ये जो चीज है ये यहां से आ रही है, ये माइनस वन ही है अपना, ओके, इसको इससे दिखाते हैं, ठीक है, और ये 3 बाय टू तक स्लोप कितनी आपकी इसकी, टू। ठीक है, ऑब्वियसली टू एक्स माइनस थ्री है, स्ट्रेट लाइन है, थ्री बाय टू पे जीरो, और वन पे क्या मिल रहा है मेरे को, माइनस वन, इसलिए मैंने डायरेक्टली दो पॉइंट लेके ज्वाइन कर दिया। उसके आगे देखो, ये है माइनस का टू एक्स माइनस थ्री, स्लोप होगी नेगेटिव, बाकी आप देख रहे हो थ्री बाय टू पे जीरो है, टू पे कितना मिल रहा है, टू पे ये मिल रहा है वापस एक बार टू इंटू फोर माइनस थ्री वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, सो टू पे वापस एक बार आपको माइनस वन मिल रहा है, और ये इस तरह से ये ओपन है। ठीक है, यहां से भी ओपन था, यहां से भी ओपन था, ठीक, बट एग्जैक्टली टू पे मेरे को क्या मिल रहा है, टू माइनस टू जीरो, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो, तो एग्जैक्टली टू पे वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो। ठीक है, अब देख लो ये पूरा हमने एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया कोई डाउट है तो बोलो। ये जो है ये कॉस पाई एक्स का है, कॉस ये वाइट वाला अपना ग्राफ नहीं है, क्योंकि जिंट लगने के बाद हमारा जो ये येलो में हमने ड्रॉ करा है, दिस इज आर ग्राफ, बॉक्स में आपको
वैल्यूज मिलती है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है, यहाँ पे माइनस वन मिल रहा है और इस पॉइंट पे आपको वन मिल रहा है। तो दिस इज द टोटल ग्राफ, आप देख सकते हो। हमें क्या देखना था, इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट, कॉन्टिन्यूटी पे कमेंट करना है। जीरो पे ऑब्वियसली एग्जैक्टली जीरो पे वैल्यू वन है, थोड़ा सा आगे जाके ड्रॉप कर गई, ये यहाँ पे ग्राफ टूट गया। तो जीरो पे एक आपका डिस्कॉन्टिन्यूस हो गया, फिर ये वन बाय टू पे, वन बाय टू पे एग्जैक्टली जीरो, उसके लेफ्ट में भी जीरो, राइट में ये माइनस वन पे ड्रॉप कर गया, आप देख रहे हो यहाँ पे भी टूट रहा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ से आपको लेफ्ट से वैल्यू मिल रही थी कितनी, माइनस वन, और राइट से भी वैल्यू मिली माइनस वन। तो ये आपका यहाँ पे फेल्ड था, ये होल था, दोनों मिलके आपके कॉन्टिन्यूस हो गए। तो यहाँ पे तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सो थ्री बाय टू पे भी आप देख रहे हो अगेन कॉन्टिन्यूस है, फिर एक बार दोबारा टू पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। सो यहां पे आपका डिसकॉन्टिन्यूस x इक्वल टू जीरो पे, दोबारा यहां पे डिसकॉन्टिन्यूस x इक्वल टू वन बाय टू पे, वन पे कॉन्टिन्यूस, थ्री बाय टू पे कॉन्टिन्यूस, और एक बार फिर यहां पे टू पे डिसकॉन्टिन्यूस मिल रहा आपको, ठीक है। सो एक, दो और तीन पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द क्लोज इंटरवल 0 टू 2 फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ऑल राइट, लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। काफी इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल, देन फाइंड ए एंड बी। सो जो फंक्शन है ये हर एक एक्स के लिए अगर कॉन्टिन्यूस है तो आपको ये और भी निकालना है, इस जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे क्वेश्चन में पहले भी देखे। यहाँ पे जो नया है वो ये है कि यहाँ पे अभी फंक्शन बना नहीं है, फंक्शन पे पहले इस जो एल्जेब्रिकल फंक्शन आपको दिख रहा है इस पे लिमिट लगी हुई है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, n आपका x की पावर में रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी पावर कहाँ पे इफेक्ट करती है वो आप देखो कि उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 होता है। अगर 1 से वैल्यू बड़ी है तो पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, 1 से वैल्यू छोटी है तो पावर इन्फिनिटी उसको 0 बना देती है। फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी 0, और 1 से अगर बड़ा कोई नंबर है तो उसकी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और एग्जैक्टली अगर 1 है तब ये आपको क्या देगा, 1। अगर एग्जैक्टली 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, चाहे इनफाइनाइट टाइम्स करो, आपको हमेशा 1 ही मिलने वाला है, एग्जैक्ट 1 पे आपको 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पावर 2 है ना, तो आपका x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1 दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट है। सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि पहले fx निकालेंगे इस लिमिट को इवेल्युएट करने के बाद, ठीक है। चलो वो काम करते हैं, देखो ध्यान से, हम एक बार fx को दोबारा से ब्रेक कर लेंगे और कहाँ कहाँ करना है वो देख लो। आप x माइनस 1 से छोटा ले लो, फिर एग्जैक्टली x इक्वल्स टू माइनस 1, फिर माइनस 1 से 1 में, फिर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 पे, और फिर x जब 1 से बड़ा है, ठीक है। चलो पहले इसको देख लेते हैं, एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 1 पे, मतलब कि ये 1 की कुछ भी पावर हो तो 1 ही रहने वाला, 1 प्लस a प्लस b अपॉन 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 2, एग्जैक्टली माइनस 1 पे सेम सिचुएशन, ये माइनस 1 की इवन पावर यानी कि 1, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 की ऑड पावर आपको क्या देगा, माइनस 1। तो ये आपको दे देगा माइनस 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का a फिर माइनस का b नीचे 2, ठीक है। यहाँ पे देख लो x माइनस 1 से 1 में यानी कि फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल की पावर इन्फिनिटी यानी कि 0, तो माइनस 1 से 1 में ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, आपका क्या बचेगा, a x स्क्वायर प्लस bx अपॉन कुछ नहीं, अपॉन 1 ही बचा, a x स्क्वायर प्लस bx ही बचा, ठीक है। चलो आगे देख लो, व्हेन x इज ग्रेटर देन, जब x 1 से बड़ा है तो अब ये 1 से बड़ा, ये वाली टर्म क्या है, इन्फिनिटी है, अगेन ये वाली टर्म भी इन्फिनिटी है, तो अपॉन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। सो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन्फिनिटी वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका ये लिमिट को इवैल्यूएट कर लेते हैं, यहाँ पे n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, x की पावर 2n से डिवाइड कर दो, x की पावर 2n से डिवाइड करा तो ये क्या बचा, x की पावर माइनस 1 बच गया, प्लस ये आपका ax स्क्वायर
अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स अपॉन एक्स की पावर 2n, नीचे है आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, सही है ये x की पावर 2n, वो इन्फिनिटी बन रहा था उससे डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। चलो अब इस केस में इन्फिनिटी को, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, 0, x n इन्फिनिटी बन रहा है, x 1 से बड़ा है, तो दिस टर्म इज 0, ये दो पावर कम भी कर दो तो भी इन्फिनिटी रहेगा 0, ये पावर एक कम कर दो तो भी इन्फिनिटी रहेगा 0, तो ये तीनों 0 बन गए, क्या बचा x की पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन x बच गया, ठीक। सिमिलरली अब सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, x माइनस 1 से छोटा है तब भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी, यानी कि यहाँ पे भी आपका यही बनने वाला है फॉर x लेस देन माइनस 1 ऑल्सो, तो x जब 1 से बड़ा है तो आपको क्या मिल रहा है 1 अपॉन x, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन x, ठीक। तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे देखते हैं, देखो हमने एक बार फिर से डिफाइन करा लिमिट को एवेल्यूएट करने के बाद एफ एक्स को, क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे ये जो पावर इन्फिनिटी है जो 1 बन रही है 1 या माइनस 1, तो वहाँ वहाँ हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो माइनस 1 से पीछे, और ये आप देख ही सकते हो, ठीक है। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्योंकि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है हर एक पॉइंट पे, तो फिर हमें अब इसकी ए और बी की जो वेरिएबल्स हैं इनको निकालना है, ठीक है। आपको दिख रहा है 1 और माइनस 1 दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ पे ये फंक्शन डेफिनेशन अपनी बदल रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पे एक बार दोबारा इसको क्या कर लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। सो अगर आपने ये वाला काम कर लिया है तो मैं इसको रब कर दूँ, चलो इसको नहीं रब करते हैं फिलहाल, यही रहने देते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से कि एक्स इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 पे मेरे को क्या देखना है, एफ ऑफ 1 फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 1 प्लस एंड f ऑफ 1 माइनस, चलो फंक्शन वैल्यू कितनी है 1 पे, एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 पे यही है, 1 प्लस a प्लस बी अपॉन 2 f 1 प्लस पे 1 के राइट में, यहां पे 1 रखूंगा, 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1 हो गया, 1 माइनस यानी कि यहां पे वैल्यू रखूंगा कितना a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या मिल रहा है, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ से ये 2 उधर जाएगा तो भी आपका a प्लस इक्वल्स टू 1 ही मिल रहा है, सो ऑल ओवर होल दोनों चीज़ों से मुझे एक ही क्वेश्चन मिली है, कौन सी, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, दिस वन इक्वेशन, ये x इक्वल्स टू 1 पे मैंने जब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई तब मिला। सिमिलरली आप देख लो कि एट x इक्वल्स टू माइनस 1 पे लगा लो, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस 1 कितना, ये आपका माइनस 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, माइनस 1 के राइट में देखूंगा तो यहां से मिलेगा, तो माइनस 1 रखा a और माइनस बी, ये आ गया आपका a माइनस बी, ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 के लेफ्ट में यहां रखूंगा तो क्या मिल रहा है आपको माइनस 1, यहां से a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1, देखो ये आ जाएगा आपका 2 को उधर ले गया तो अगेन a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1, सेम यहाँ से भी सेम इक्वेशन मिल रही है, दैट इज a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल्स टू प्लस 1, a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1, देखो ध्यान से दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो a आपका 0 मिल रहा है सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। आप कहीं भी कर लो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्विंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करा तो 2a इक्वल टू 0 यानी कि a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू कितना प्लस 1, सो a 0 और b 1, ये आपके फाइनल आंसर्स, ठीक है। नोट करो अच्छे से इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं तो आपके आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर कोई डाउट है तो एक बार दोबारा देखो इसको रिपीट करके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर खुद से हमें ट्राई भी करना है। देखो सिमिलर क्वेश्चन जो हमने अभी प्रीवियस किया था, गिवन एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स की पावर 2 है, अगेन ये
ये जो चीज है 2 साइन एक्स, इसकी पावर में हमें 2n रखा हुआ है जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये 1 कब हो रहा है या फिर माइनस 1 कब हो रहा है, जो भी देखा जाए, ठीक है। इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, अच्छा 0 से पाई में, 0 से पाई में साइन तो पॉजिटिव था, नेगेटिव तो अब हो नहीं रहा, बस ये देख लो कि ये 1 कब बन रहा है। 1 कब बनेगा, जब साइन एक्स होगा आपका 1/2, साइन एक्स 1/2 कब होता है, जब एक्स होगा आपका 30 यानी कि पाई बाय 6, और दूसरा 5π/6 पे। बस इन दो पॉइंट्स पे मैं ब्रेक करना, एफ एक्स को एक बार दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्जैक्टली एट पाई बाय 6 कॉमा 5π/6, इन दोनों पॉइंट्स पे ये एग्जैक्ट 1 बनेगा। एग्जैक्ट 1 की पावर जो इन्फिनिटी है तो वो 1 रहेगा, सो 1+1 2, और ये आ जाएगा साइन एक्स, यानी कि यहां पे मुझे मिलेगा साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब बाकी ये साइन है, साइन को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कर लो। अच्छा ये 1 से बड़ा कब होगा, 1 से बड़ा कब होगा, जब साइन आपका 1/2 से बड़ा हो जाएगा। साइन 1/2 से बड़ा कब होगा, 60 पे 1/2 है। साइन को देखो ध्यान से, ये साइन को मैं अलग से यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपका साइन ग्राफ है, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज पाई, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1, ठीक है। ये 1/2 होगा, एक तो आपका पाई बाय 6 पे और दूसरा 5π/6 पे। पाई बाय 6 से 5π/6 में ये 1 से बड़ा हो गया, 1/2 से बड़ा हो गया। अगर ये 1/2 से बड़ा हो गया यानी कि 2 साइन एक्स 1 से बड़ा हो जाएगा। सो अगर मैं देखूं कि पाई बाय 6 2 5π/6, ये चीज 1 से बड़ी, 1 से बड़ी तो पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, ये डिनोमिनेटर इन्फिनिटी आ गया, साइन तो एक मतलब बाउंड्री फंक्शन माइनस 1 से 1 में, तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा, ठीक है। बाकी बचा ये, यानी कि 0 से पाई बाय 6 और 5π/6 से पाई, इन दोनों में ये आपका 1/2 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में, यानी कि ये आपका 0 से 1 के बीच में, ठीक है। सो यहां से अगर मैं देखूं कि व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, आप कह सकते हो कि 0 टू पाई बाय 6 एंड, या फिर यूनियन ले लो 5π/6 टू पाई, इस इंटरवल में ये जो चीज है 1 से छोटी होगी, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, और यहां पे आपको मिल जाएगा क्या, साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन 1+0 यानी कि साइन एक्स, ठीक है। चलो ये तो था कि ये एफ एक्स बन गया आपका, आप देख रहे हो साइन एक्स है, साइन एक्स बाय 2 है दो पॉइंट पे, और यहां पे 0, यहां से यहां तक आपका क्या है, 0 है फंक्शन, ठीक। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, अदरवाइज आपको क्लियरली पता चल ही रहा है कि इसकी आपको क्वांटिटी चेक करनी है। तो पाई बाय 6 पे देख लेते हैं, एग्जैक्टली पाई बाय 6 पे आपको क्या मिल रहा है, ये 1/2 अपॉन 2 यानी कि 1/4 हो गया, ठीक है। सो 5π/6 पे भी सेम वैल्यू है, तो ये एक्चुअल में 1/4 लिख दूं यहाँ पे, इसको हटा के, क्योंकि ये तो दो डिस्क्रीट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 1/4 मिल रहा है। चलो अब देखते हैं एग्जैक्टली पाई बाय 6 पे 1/4, पाई बाय 6 से पहले देखूंगा तो ये देखो यहां से वैल्यू लूंगा लेफ्ट में, लेफ्ट में देखूंगा तो साइन पाई बाय 6 कितना 1/2, 1/4 यानी कि आपका क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस। और पाई बाय 6 के राइट में देखूं तो 0 आ रहा है, तो पाई बाय 6 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली 5π/6 एग्जैक्टली 5π/6 पे 1/4, 5π/6 से पीछे कितना 0, 5π/6 से आगे कितना अगेन 1/2, यहां पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से, मेन पार्ट था कि इसको कैसे ब्रेक करना, ये जब 1 हो रहा है या माइनस 1 हो रहा है, माइनस 1 यहाँ पे होने लगा क्योंकि ये 0 से पाई पे बात कर रहे थे, 1 कब हुआ दो पॉइंट्स पे, पाई बाय 6, 5π/6, उसके आगे और पीछे मैंने ब्रेक कर लिया। 1 है तो एग्जैक्टली 1 पे 1, 1 के से बड़ा है तो पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी देगी, 1 से छोटा है तो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन को ब्रेक कर लिया, ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप कि दो क्वेश्चन के बाद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो सो ये कुछ क्वेश्चंस थे कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, इंक्लूडिंग लिमिट्स इटसेल्फ। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस भी थे कुछ, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट देन कॉन्टिन्यूटी ओवर इंटरवल या फिर ऑल रियल लाइन पे बात होते हैं, जैसे इस केस में भी 0 से पाई था, पिछले केस में आपका ऑल रियल पे था वो,
तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हम आगे का कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल के लिए आप कुछ क्वेश्चंस अपने खुद से प्रैक्टिस करो इस क्लास के बाद, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड।